जंगल। स्मार्ट टाइम्स न्यूज़ लगातार जो है बिहार में चुनावी रणनीति चल रहा है, तो ऐसे में किशनगंज से एक बच्चा जो 18 साल एज इनकी, ये नेवी में कमिश्नर के पोस्ट पर डिपुट हुआ है। इनकी ज्वाइनिंग जो है 31 तारीख को होना है और जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए। अभी हम इनसे बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे हुआ, इनको कहाँ पे हुआ और कैसी इनकी जो है फैकल्टीज मिल पाई इनको। बड़ी बात है कि किशनगंज में कभी बड़े अरसों के बाद जो है कोई किशनगंज का बेटा, किशनगंज का लाल नेवी में जाना है। आज के डेट में देश की हालत क्या है वो आप सभी समझ रहे हैं, मगर आज जो है कुछ युवाओं में से उभर कर सामने आ रहा है। बहुत कम, काफ़ी अरसे के बाद आईएएस ऑफिसर भी किशनगंज में निकले, मगर बहुत लंबे अरसे के बाद जो है किशनगंज में कुछ थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ है और लोग अपने बच्चों के ऊपर जो है लोग फोकस कर रहे हैं कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा कुछ कर सके। चलिए हम बात करेंगे, पहले इनसे हम नाम जान लेते हैं, फिर इनको सारी चीज़ें बारी बारी से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? आकिब रजा। आकिब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट टाइम्स में। कैसे आपने नेवी के लिए प्लानिंग चला, कैसे प्लानिंग क्या था आपका, बोर्ड एग्जाम्स तक क्या था कि हम क्या करना चाहिए मुझे, फिर अचानक से नेवी में हो गया जॉब, कैसी महसूस हुई, सारी चीज़ें मुझे बताया जाए। जी, महसूस तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। मतलब हमारा ये था कि सैनिक स्कूल में पढ़े हम लोग, तो सिक्स से वहाँ ये हो जाता है कि आर्म फोर्सेस में करियर बनाना है। तो जी, मतलब जैसे बड़े हो रहे थे तो हमारे दिमाग में यही था कि ज्वाइन करना है आर्म फोर्सेस थ्रू इंडिया। तो प्लानिंग और प्रिपरेशन सारा साथ में ही हो रहा था। फिर ट्वेल्थ दिया, ट्वेल्थ के बाद जो एग्जाम अपीयर किया हो गया। अच्छा, तो ट्वेल्थ के बाद जो है आपका हो गया, उसके बाद इसको जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। ज्वाइनिंग का जो है प्लेस कहाँ दिया गया और कहाँ कर रहे हैं? जी, ज्वाइनिंग एजिमला में है, इंडियन नेवल एकेडमी। अच्छा, केरला में। तो वहाँ ज्वाइन करना है 31 तारीख को। ज्वाइनिंग वहाँ करना, पोस्टेड हो जाएगा आपका? नहीं, 4 साल ट्रेनिंग है, अगर पोस्टिंग आपकी कहीं भी आ सकती है। 4 एडवांस जो आपको जहाँ भी किसी एरिया में दे सकता है आपको, मतलब 4 साल ट्रेनिंग करना है वहाँ पर। अच्छा, आपका प्लानिंग क्या था? मतलब बचपन में एक एम होता है सबका, हमारा एम था कि हम UPSC वगैरह करें, कोई IAS ऑफिसर बने, मगर पत्रकार बनकर हम पत्रकार में आ गए। पत्रकार भी तो अच्छा ही काम है, मगर मेरा कुछ और सपना था, तो हम पत्रकार में जर्नलिस्ट बन करके हम लोग अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बस दबे कुचले आवाज़ों को हम लोग उठाते हैं। मगर आपका क्या गेम था, आप जो है कैसे इसमें पहुँच गए? जी, बचपन से तो मतलब काफ़ी सारा ख्याल आते हैं, लेकिन जैसे हमने स्कूल ज्वाइन किया 6 में, यानी 2012 में, तो तब से ही हो गया था कि मतलब क्योंकि हमारे स्कूल का यही एम है कि बच्चों को प्रिपेयर कराना होता है आर्म फोर्सेज के लिए, तो उधर से ही अब और कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास। मतलब आर्म फोर्सेज बहुत ज़्यादा काफ़ी मतलब इंस्पिरेशन भी था सीनियर्स का और पेरेंट्स से भी काफ़ी इंस्पिरेशन थी, तो उसके बाद ही फिर सारा हो गया। अच्छा, घर में पापा जी ऑलरेडी नेवी में रह चुके हैं, तो पापा को तो फीलिंग हो रही होगी कि मेरा चलो घर से फिर मैं बेटा जा रहा है, गर्व तो हो रहा होगा। जी एक बात है कि हमारे भारतीय सैनिकों में बहुत गर्व है, आज हम लोग जी रहे हैं अमन अमान सुकून से, जो हमारे सैनिक हो चाहे वो नेवी हो या इंडियन आर्मीज हो, अपनी जो देश की रक्षा में अपनी जो है ड्यूटी जो है पूरा जो कर्तव्य है वो पूरा बखूबी निभाते हैं, मगर यहाँ की हालत जो है आप समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है कि देश की हालत क्या है और कैसे चल रहे हैं, मगर हमारे जो हम जो जी रहे हैं, हम जो फख्र से सांस ले रहे हैं, ये उनकी देन है, नेवियों की और जो इंडियन आर्मीज की, जो आज हमें सुकून से जीने दिया जा रहा है। मगर इंडिया के पॉलिटिशियंस के थ्रू जो है क्या दबाव चल रहा है वो आप लोग समझ रहे हैं, समझदार लोग हैं। और हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं इनसे कि क्या है आगे का प्लानिंग, क्या है कि आप अगर पहुँच गए वहाँ पर बहादुरगंज के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, किशनगंज जिला के जिलावासियों के लिए क्या सोच रहे हैं, जो अपने युवा फ्रेंड्स आपके उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारा स्कोप तो है नहीं होता, लेकिन बस इतना कर सकते हैं कि जो आगे और बच्चे हैं इधर, तो उनको एक होता है कि सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस है कि बच्चों को पता नहीं होता है कि कितने सारे एंट्रीज आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए या कैसा करियर आर्म फोर्सेज में। तो बस अपना तो कैपेबिलिटी उतनी ही है कि बच्चों को बता सकते हैं कि ये करियर ऑप्शन है, बाकी तो फिर उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आप अपने समय में करिए मेहनत के ऊपर मिलना है। अच्छा, कितनी सारी मुश्किलें आई इसमें, कभी ऐसा भी लगा कि नहीं ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लगा आपको? ऐसा तो मतलब कोई खास परेशानी तो थी नहीं, बस ये मेरा पहले बार मतलब क्लियर हुआ था, यानी कि पिछले बार 2018 में क्लियर हुआ था, तो उस बार मेरिट आउट हो गया मैं, तो उसके बाद फिर थोड़ा झटका लगता है मेरिट आउट होने के बाद, फिर लेकिन थोड़ा झटका लगा, फिर उसके बाद जो फिर संभाल करके आपने किया उस चीज़ को। अच्छा, ये बहुत है, ये जैसे आज के डेट में देखिए आप बोर्ड्स एग्जाम्स होता है जैसे किशनगंज वगैरह सभी पूरे बिहार में बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए छात्र एग्जाम्स बैठते हैं, फेल कर जाते हैं, तो अपने मन में जो आता है कुछ
पटांग से हरकत है, सोचता है कि मैं कर गया अब मुझे नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? आपने बोर्ड एग्जाम्स दी, फिर मेहनत की, आपने स्ट्रगल के बाद आप पहुंचे वहां पर, बड़ी फख्र महसूस होती है हमें कि नहीं हमारे किशनगंज तो है ही है, बहादुरगंज के बच्चे आप इस मिट्टी से बन करके जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि उस जगह पहुंचना बहुत बड़ी बात है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप, जो लोग अपने लाइफ को वो समझता है कि नहीं कर लिए तो कर लिए, जो नहीं कर लिए तो बस कहीं जा करके कुछ अपने आप को डिमोलाइज खुद ही कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? डिमोरलाइज होने का तो ऐसे कोई मतलब इतना बड़ा चीज़ है नहीं, लेकिन बस वही करते रहना चाहिए जब तक नहीं जाए, जब तक मेहनत करनी चाहिए, ऐसा कुछ तो इम्पॉसिबल है नहीं। अच्छा कभी लगता था पापा मम्मी डांटते थे तुम्हें? जी जी बिल्कुल। क्या कहते थे, क्या स्टडी नहीं कर रहे हैं कुछ ऐसा कुछ? जी तो बचपन में सबके साथ होता ही ऐसा नॉर्मली होता है, अब बड़े हो गए हैं अब जॉब में जा रहे हैं, ऐसा कुछ अभी इस दरमियान में कुछ अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा कभी पेरेंट्स कभी, अच्छा घर पे सबसे ज्यादा आपको घर का लाडला कौन, घर के अंदर जो है किसके साथ सबसे ज्यादा आपको बनता है सबसे बेहतर? सबके साथ बनते हैं तो एक होता है कि छोटा सा हर घर में होता है, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा प्यार किससे मिलता है, मम्मी से पापा से? बराबर ही मिलता है, कंपेयर करना तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब दोनों को प्लस पॉइंट लेके चलनी है। अच्छा चलिए बहुत अच्छा लगा हम आपसे बात करने के लिए, क्या कहेंगे हमारे स्मार्ट टाइम्स के जो व्यूवर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनका मैसेज ये बस अपना जो एम है जी, आपका जो भी एम है उसको परस्यू कीजिए अच्छे से, और बस मेहनत कीजिए, सारा कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, सारा कुछ भी है। चलिए थैंक यू, और नाम बता दीजिए। आकिब है सर, मैं आकिब जी से बात कर रहा था जो अपनी बातों को बेबाकी से रखे, खास करके आज देश की जो हालत है वो आप समझिए और समझने की भी ज़रूरत है हमें। देखिए लक्ष्य जो हमारा है वो हमें पूरा करना चाहिए, हमें आगे बढ़नी चाहिए, हमें ये ना सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं या हमें नहीं मिल पाया या मिल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत पर ही सब कुछ है। और हम जो सोचते हैं कभी नर्वस हो जाते हैं ना, हम अपने स्ट्रगल अपनी एम को बरकरार रखें ताकि हम आगे बढ़ सकें। स्मार्ट टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन मोहसिन आलम के साथ मैं किशनगंज से संवाददाता मैं हाजिर हूँ।